Hello, and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And चलिए अब हम start करते हैं 21st November के current affairs. This course is presented by me, Naina Dubey. देखिए, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, and आप लोगों में से maximum के answers सही थे. So, ये बहुत अच्छी बात है. Silent Valley National Park कहाँ स्थित है? केरला में. दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में. बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में. एंड गोरुमार राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में. तो आप लोगों में से मैक्सिमम के आंसर सही थे. आज मैंने आपके लिए लाया है शास्त्रीय नृत्य. इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अब आपको बताना है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है. ये किस राज्य का है. कथकली किस राज्य की है. मोहिनी अट्टम किस राज्य का है. और कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं. तो आप इन चारों के आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. अब हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स. और हमारा पहला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे को 100% शिकायत निवारण के लिए सम्मानित किया गया है. तो ये हवाई अड्डा है चेन्नई. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी. मतलब देखिए, चेन्नई हवाई अड्डे में ना जितने भी लोगों के शिकायत थे उनका पूरा 100% सॉल्यूशन दिया गया है. तो ये इस तो 100% शिकायत निवारण के लिए चेन्नई हवाई अड्डा को सम्मानित किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. एयर सेवा का अपग्रेडेड वर्जन एयर सेवा 2.0 किसके द्वारा लॉन्च की गई है. तो देखिए, एयर सेवा की जो 2.0 अपग्रेडेड वर्जन है ना, ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु जी के द्वारा लॉन्च की गई है. एंड इनके साथ ही साथ उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, दैट इज़ airseva.government.in. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है. इससे क्या होगा कि इसके लाभ ये है कि फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली मिल जाया करेंगी. एयरफोर्स से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाया करेगी. हेल्प डेस्क प्रदान करेगा ये. तो बहुत सारी चीज़ें इसमें एडवांटेज है. ये सुरेश प्रभु जी के द्वारा लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. किस शहर में बच्चों के लिए रंगमंच त्यौहार जश्न ए बचपन का नौ दिवसीय 14वां संस्करण LTG ऑडिटोरियम में शुरू हुआ. तो देखिए, इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि बच्चों के लिए का जो रंगमंच त्यौहार जश्न ए बचपन, ये 17 नवंबर को स्टार्ट हुआ है और ये 25 नवंबर तक चलने वाला है. तब ये 9 दिनों का हुआ. ठीक है, ये इसका 14th एडिशन है और ये हुआ है LTG ऑडिटोरियम में, मतलब नई दिल्ली में, जो सम्मुख अभिमंच और अभिकल्प लिटिल थिएटर ग्रुप है उस ऑडिटोरियम में ये हुआ है. तो इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे कि ये किस शहर में हुआ है. तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में. हमारा ऑप्शन हो जाता है बी. इनका इसके पीछे उद्देश्य यही है कि थिएटर को प्रमुखता में लाना है, कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. किस देश में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है. तो ये किया गया है पापुआ न्यू गिनी में. देखिए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसमें टोटल कंट्री है 21. ठीक है, और ये पहली बार हुआ है जो पापुआ गिनी में इनका जो सम्मेलन हुआ है, ये पहली बार पापुआ न्यू गिनी में हुआ है. ये सबसे गरीब राज्य है. अगर हम एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की बात करें ना, तो इसमें जो 21 कंट्री है टोटल, इसमें सबसे गरीब राज्य है पापुआ न्यू गिनी. पर हाँ, इस बार सबसे पहली बार इनका जो सम्मेलन हुआ है ये यहाँ हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश पुनः राष्ट्रमंडल देशों में शामिल होगा. देखिए, ये है मालदीव. मालदीव 2016 अक्टूबर में ही राष्ट्रमंडल छोड़ दिया था मालदीव ने, और वह पुनः राष्ट्रमंडल देश में जुड़ जाएगा. अब इसकी मंजूरी आ गई है. तो ये है मालदीव. हमारा ऑप्शन हो जाता है डी. नेक्स्ट में बढ़ते हैं. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास व्रज प्रहार किस शहर में हुआ. इस क्वेश्चन में हमको ध्यान रखना है कि व्रज प्रहार जो है ये होता है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में. ठीक है, ये दो चीज़ें क्लियर रखिए. अब ये किस शहर में हुआ है. ये हुई है जयपुर में. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, जयपुर. नेक्स्ट वन पे चलते हैं. दो दिवसीय पहली इंडो जापान बिजनेस काउंसिल कोनकी वाई पुणे महाराष्ट्र के किस शहर में संपन्न हुई है. ये दो दिनों की इंडिया और जापान की पहली बिजनेस काउंसिल थी कोनिकी वाई पुणे, और ये महाराष्ट्र के पुणे शहर में संपन्न हुई है. ठीक है, तो पुणे में हुई है इन्होंने. देखिए, इसे भारत जापान बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया था.
एंड ये भी कह सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य था निवेश को आगे बढ़ाना, भारत और जापान के बीच में व्यापार या सांस्कृतिक जो भी आदान प्रदान होते हैं ना उसे बढ़ावा देना था, ठीक है। ये पुणे में हुई है, ये ध्यान रखना है, हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान या महिला सशक्तिकरण अभियान किस शहर में आयोजित किया गया है, ये किया गया है लखनऊ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में यह आयोजित हुआ है। देखिए इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि महिलाओं के कल्याण और उनके सुरक्षा के लिए उन्हें जागरूक करना, महिला सशक्तिकरण पर जोर देना, महिला को सशक्त बनाना है, ठीक है, ये हुआ है लखनऊ में, हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज कब लॉन्च किया है, तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज ये लॉन्च हुई है 19 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अब इसका उद्देश्य जान लेते हैं कि हाँ ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज के है क्या। देखिए जितनी भी सरकारी प्रक्रिया होती है ना, जितने भी गवर्नमेंट में जो भी कार्य होते हैं उनके में वो सुधार करना चाहते हैं ताकि चीज़ें और भी व्यवस्थित ढंग से हो। जितने भी गवर्नमेंट काम होते हैं उसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ये सारे चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा ही अभी दिखाए जा रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, बिग डेटा, ब्लॉकचेन और अन्य जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उनके आधार पर वो विचारों को आमंत्रित कर रहे हैं इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज में, ठीक है, ताकि सरकारी प्रक्रियाएं जो है वो और भी बेहतर ढंग से हो पाए। तो ये हुई है 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्यूमी एकता सप्ताह जिसे राष्ट्रीय एकता सप्ताह भी कहते हैं ये कब से कब तक मनाया जाएगा, तो देखिए ये 19 नवंबर से शुरू हो गया है और ये मनेगा 25 नवंबर तक। इसमें हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता सप्ताह कहलाता क्यों है ये जान लेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय एकता सप्ताह जो कि 19 नवंबर से शुरू हुआ है, तो 19 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस, 20 नवंबर को मनाया गया अल्पसंख्यक कल्याण दिवस, आज 21 नवंबर है आज मनाया जाएगा भाषाई सद्भाव दिवस, 22 नवंबर को होगा कमजोर वर्ग दिवस, 23 नवंबर को होगा सांस्कृतिक एकता दिवस, 24 नवंबर को मनाया जाएगा महिला दिवस और 25 नवंबर को मनाया जाएगा संरक्षण दिवस। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो है 19 नवंबर से 25 नवंबर तक राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो हमारे तो इसका ऑप्शन जो मैंने बताया वो था ए 19 नवंबर to 25 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया गया, सार्वभौमिक बाल दिवस है क्या, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। देखिए चिल्ड्रन डे हम अपने इंडिया में मनाते हैं 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल बाल दिवस मनाया गया, तो देखिए ये हमने 20 नवंबर को मनाया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए 20 नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नए पर्यटन सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो नए पर्यटन सचिव जो है वो नियुक्त हुए हैं योगेंद्र त्रिपाठी जी, ये वर्तमान में खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी है, ये 1984 बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं और अब ये पर्यटन सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन हो जाता है बी योगेंद्र त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो देखिए भारत के जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे उनका नाम है जलज श्रीवास्तव, ठीक है, हमारा ऑप्शन है डी जलज श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, ये देखिए ये वर्तमान में अभी कृषि सहयोग और किसान जो कल्याण विभाग है ना वहाँ के ये सचिव भी हैं, तो जलज श्रीवास्तव ही अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त होंगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंक ऑफ इसराइल के अगले गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो देखिए इसराइल कैबिनेट के द्वारा अगले 5 साल के लिए जो बैंक ऑफ इसराइल के गवर्नर नियुक्त हो रहे हैं इनका नाम है आमिर योरान, देखिए इस और ये रिप्लेस कर रहे हैं क्रणत फलक को, ठीक है। क्रणत फलक जो है ये 2013 में पहली महिला गवर्नर बनी थी और ये अब तक कार्यरत थी, पर अब आमिर यारोन इन्हें रिप्लेस कर देंगे, उनकी जगह ये लेंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ATP वर्ल्ड टूर फाइनल खिताब किसने जीता है, तो ATP वर्ल्ड टूर का जो फाइनल खिताब जीता है, देखिए ये हम सब सोच रहे थे कि ये नोवाक जोकोविच इस बार भी जीत जाएंगे, पर ये जीता है अलेक्जेंडर जेवरव ने, हम सब ये आशंका थी, हमें सब यही सोच रहे थे कि नोवाक जोकोविच ही जीतेंगे, बट ये जीत लिया है अलेक्जेंडर जेवरव ने, ये जर्मनी के पहले खिलाड़ी है जिन्होंने ATP वर्ल्ड टूर फाइनल खिताब जीता है, ठीक है, ये लंदन में हुआ था, ये याद ध्यान देना है आपको।
हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नए कोयला सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सुमंता चौधरी। सुमंता चौधरी जो है ये नई कोयला सचिव नियुक्त हुई हैं और ये इंद्रजीत सिंह को रिप्लेस करेंगी, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन हो जाती है डी, सुमंता चौधरी, मतलब इंद्रजीत सिंह का जगह लेंगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको सार्वभौमिक स्वीकृति विचार लीडर पुरस्कार सम्मान से नवाजा गया? तो देखिए ये सार्वभौमिक स्वीकृति विचार लीडर जो पुरस्कार है ना, ये दिया गया राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को, और ये मतलब दिया गया यूनिवर्सल एक्सपेक्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के द्वारा। ये यूनिवर्सल एक्सपेक्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप करती क्या है, ये डिफरेंट लैंग्वेज को नेविगेट करती हैं, ठीक है। इनका काम ही यही है कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को नेविगेट कर सके। तो इसके उन्होंने सार्वभौमिक स्वीकृति विचार लीडर पुरस्कार जो है ये दिया है वसुंधरा राजे जी को, जो कि आपकी राजस्थान की मुख्यमंत्री है। अब हम ये जान लेते हैं कि उन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया। तो देखिए स्थानीय लिपि में राजस्थान के नागरिकों के लिए उन्होंने राजमेल ईमेल सेवा प्रदान की थी, राजमेल ईमेल सेवा, इसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। और राजमेल ईमेल सेवा क्या है, ये इंडिक लिपि में है, ये लोगों को जो ईमेल है ना वो पते पे पहुंचकर प्रदान करता है, ठीक है। तो इनके लिए इन्हें विचार लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तुम्हारा ऑप्शन हो जाता है सी, वसुंधरा राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। हाल ही में निसान ऑटो कंपनी के चेयरमैन को अपनी आय छिपाने तथा उसका निजी लाभ के लिए उपयोग करने के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कार्लोस घोष। यही निसान ऑटो कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी आय छुपाते हुए और अपना पर्सनल जो है वो और चाहते थे और लाभ हो उसके लिए उन्हें, तो इन सब बातों को पता चला है और वो गिरफ्तार हो गए हैं। इनका नाम है कार्लोस घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय सटलर ने वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता है वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में 8वीं राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन हुआ? अगर मैं यहाँ राज्य की बात करती तो वो होता झारखंड, यहाँ शहर की बात हो रही है, ये हुआ है रांची में। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, रांची, ठीक है। इसमें बात हुई थी, मतलब देखिए रांची में जो धुरवा है ना, वहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम है, वहाँ ये 8वीं राष्ट्रीय पुलिस महिला पुलिस सम्मेलन हुई थी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ क्या हुआ, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया गया? तो अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस जो हमने सेलिब्रेट किया है, ये सेलिब्रेट किया गया है 20 नवंबर को, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, 20 नवंबर। इसमें क्या होगा, देखिए अफ्रीका का जो औद्योगिकीकरण है ना, उसका उसमें और जागरूकता कैसे लाए, ये दिन उसी चीज़ पे समर्पित है, तो ये मनाया गया 20 नवंबर को। हमारा ऑप्शन है ए, 20 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लघु और मध्यम उद्यम और वहनीय आवास निधि किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो लघु और मध्यम उद्यम और वहनीय आवास निधि जो है ये SBI कैप के द्वारा लॉन्च की गई है। और तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, SBI कैप। अब हम जान लेते हैं SBI कैप है क्या। देखिए SBI कैप जो है ना, ये SBI कैप रेंस लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया है। ये SBI कैपिटल मार्केट का एक परिसंपत्ति प्रबंधक और सहायक है, ठीक है। तो ये हुई है SBI कैप के द्वारा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21st of November के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।